हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एपी करियर कंसल्टेंसी। आज हम इस वीडियो में टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में इन फुल डिटेल आपको नॉलेज देंगे, ताकि आपको सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एक डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप अपना फ्यूचर खुद चूज कर सकें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अजय संगल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। ये लोकेटेड है शामली में, ये एफिलिएटेड है बाय अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से, एंड ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय एनएमसी। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 2024 में। सीट से इधर 150, कट ऑफ है इसका 361, एंड बेड से इसका 500 to 575 के अंदर। फीस है 12,15,000 के अराउंड, जहाँ पर मिसलेनियस चार्ज एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस भी है, जो है रिफंडेबल 5 years के बाद, पर आपको फर्स्ट ईयर में ये आपको पे करना ही पड़ेगा। एंड हॉस्टल फीस में 1.5 lakh फॉर नॉन एसी एंड 1.75 lakh फॉर एसी है। कैंपस साइज है 25 acres। चलो यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज बताते हैं। एकेडमिक फैसिलिटीज में लेक्चर थिएटर से एयर कंडीशन गैलरी टाइप, डेमोन्स्ट्रेशन हॉल्स भी है, एंड उसके साथ कॉमन रूम्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, मेडिकल स्किल लैब्स हैं, एंड डिपार्टमेंटल म्यूजियम्स भी है। इधर सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पर वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स देखने को मिलता है, एंड इधर डिजिटल लाइब्रेरी भी है, एंड ऑडियो विजुअल एड्स हैं, जो स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस एंड जो एडुकेशन प्रोसेस है वो और ज़्यादा इजी बनाती है। एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में इधर मैंने पहले ही बोला था 500 टू 575 के अंदर बेड्स हैं, एंड ऑपरेशन थिएटर्स में मॉडर्न वेल इक्विप्ड है। डायग्नोस्टिक सर्विस है, जहाँ पर रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्लड बैंक है 24/7, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर भी है। इधर ICU, ICCU, NICU एंड PICU देखने को मिलता है। स्पेशलाइज्ड कुछ डिपार्टमेंट्स है इस कॉलेज का, वो है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। इसके साथ साथ हमें कुछ स्टूडेंट फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलता है। स्टूडेंट फैसिलिटीज़ में इधर सेपरेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट रहता है, एंड कैफेटेरिया है, जहाँ पर हाइजीनिक फूड मिलता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए। जिमनेजियम्स भी है स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट को फिजिकली फिट रखेगी। स्टूडेंट काउंसिल रूम है, मेडिटेशन एंड योगा हॉल है, जो स्टूडेंट को मेंटली फिट रखेगी। एंड इधर और रिसर्च फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें, तो रिसर्च फैसिलिटीज़ में इधर रिसर्च लैब्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट्स देखने को मिलता है, एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे फैसिलिटीज़ है इस कॉलेज में, एंड कैंपस में ढेर सारे फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि ATM है कैंपस में, पोस्ट ऑफिस है, फार्मेसी है, फूड कोर्ट भी मिलता है, पार्किंग है, वाईफाई कैंपस है थ्रू आउट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो है 13 किलोमीटर्स के अंदर, एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है 35 किलोमीटर्स के अंदर। आप एडमिशन्स नीट UG के स्कोर बेसिस पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो एडमिशन है वो स्टेट काउंसलिंग और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग बेसिस पर होंगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि एडमिशन कैसे होता है, या फिर आपको पता नहीं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हमारा टीम आपको पूरा हेल्प करेगी एडमिशन लेने में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि एडमिशन कैसे लेते हैं और काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ लगेगा जो हेल्प कर सकता है काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन और कॉलेजेस के बारे में, तो प्लीज़ स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, ताकि आप अपना फ्यूचर बना सकें। एंड अगर आप हमारे टीम से ऑफलाइन मिलना चाहते हैं, तो आपके नियरेस्ट ब्रांच वेस्ट बंगाल लखनऊ एंड नोएडा में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।